तो बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में और आज की हमारी जो वीडियो है वो 12th वीडियो है और आज की वोकैब पांच वर्ड वोकैब के हम स्टार्ट करते हैं विद की या फिर कहें विद ट्रिक के साथ। ओके, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वर्ड। पहला वर्ड है प्लमट। प्लमट, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे हम ऐसे, प्लमट, और इसका मतलब होता है तेजी से नीचे गिरना। क्लियर? और अब याद कैसे करेंगे इस, देखो प्लमट को कहीं ना कहीं इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्लैनेट से मिलती है। कैसे? प्लैनेट से मिलती है। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह। ओके, तो इसी से हम याद करने वाले हैं प्लमट, जिसका मतलब होता है तेजी से नीचे गिरना, और हम इसको याद करने वाले हैं प्लैनेट यानी ग्रह से। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्लैनेट या प्लैनेट आसमान से पृथ्वी पर तेजी से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिर पड़ा। ओके, प्लैनेट का टुकड़ा कर लो, पूरा पूरा प्लैनेट तो कहां से आएगा, बट ये जो है समझने के लिए है। अब कोई कहे कि कोई सेंस बनती है इस बात में, सेंस तो कहीं नहीं बनती है, लेकिन ये समझने के लिए, कोई प्लैनेट का टुकड़ा भैया आसमान से पृथ्वी पर तेजी से नीचे गिर पड़ा। क्लियर? यहाँ पे तो प्लमट, प्लमट का मतलब होता है तेजी से नीचे करना, और हमने इसको याद किया प्लैनेट से। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा पहला खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड यानी सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो वर्ड है वो है सरकमस्पेक्स। सरकम सरकम स्पेक्ट, सरकम स्पेक्ट। क्लियर यहाँ पे? और इसका मतलब होता है सावधानी। इसको प्रोनंसिएट करेंगे सरकमस्पेक्ट, और इसको इसका जो मीनिंग होता है सावधानी, और इसको याद जो हम करेंगे वो है सर का रिस्पेक्ट। सर का रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बोले तो इज्जत, सर का रिस्पेक्ट। ये क्लियर? सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधानी। इसकी जो प्रोनंसिएशन है यहां पर मैंने लिखी है, और इसको हम याद करने वाले हैं सर का रिस्पेक्ट से। सरकमस्पेक्ट को हम याद करेंगे सर का रिस्पेक्ट से। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सर का रिस्पेक्ट, सर का रिस्पेक्ट हमेशा हमेशा सावधानी से करना चाहिए भैया, सावधानी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया नंबर काट लेंगे। ओके, सावधानी से करना चाहिए क्योंकि वही करता धरता है, समझाने वाले वही है, कुछ गलत वलत समझा दिया तो क्या होगा। क्लियर? तो सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधानी, और हमने इसे को याद किया सर का रिस्पेक्ट से। ओके, सेकंड वर्ड की, सेकंड वर्ड खत्म होता है। थर्ड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड वर्ड है निक्रोमेंसी। निक्रो वैसे इसकी कहीं कहीं ना क्रिप्टो करेंसी जैसी हेलती है। निक्रो मैंसी, इसकी प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं ये आता न है। निक्रोमैंसी, इसका मतलब होता है जादू टोना, और हम इस निक्रोमैंसी को हम याद करेंगे नरक, नरक में मन से, नरक में मन से। ओके, निक्रोमैंसी जिसका मतलब होता है जादू टोना, और हमने इसको याद किया नरक में मन से। कैसे? भैया नरक में कभी जाओगे, भगवान ना करे ऐसा तुमने कोई काम किया हो, बट चले भी गए तो नरक में मन से जादू टोना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं जाकर आया हूं, बट ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात में, बट समझ लो इस चीज को सिखाया जाता है। तो बता देना किसी को, अगर कहीं जाना हो तो जादू टोना सीखना हो तो कहाँ जाना है? नरक में। क्लियर? यहाँ पे तो निक्रोमेंसी जिसका मतलब होता है जादू टोना, और हमने इसको याद किया नरक में मन से क्या सिखाया जाता है? जादू टोना सिखाया जाता है। क्लियर? थर्ड वर्ड खत्म होता है। फोर्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो फोर्थ जो वर्ड है वो है अपलोड। जो हम वीडियो अपलोड करते हैं ऐसी कुछ प्रोनंसिएशन है इसकी। अपलोड, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या मतलब होता है? प्रशंसा करना। ओके, अब हम याद करेंगे अपलोड को आपका आपका प्लॉट या आपका प्लॉट से। क्लियर? यहाँ पे अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। आपका आपका प्लॉट, आपका प्लॉट रोड पर है, आपका प्लॉट रोड पर है, इसलिए इसलिए सभी या सारे आपकी आपकी क्या करते हैं भैया? आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भाई प्रशंसा करते हैं। क्लियर?
क्यों करते हैं? क्योंकि भैया प्लाट मेन रोड पर है, रोड के ऊपर उसकी काफी ज्यादा कीमत होगी, तो लोग जो है उसे लेना चाहते होंगे, इसलिए आपकी चापलूसी कर रहे हैं। चापलूसी वैसे कहना नहीं चाहिए, प्रशंसा करते हैं, वाह वाह यार क्या बात है, आपका प्लॉट रोड पर है, मजा ही आ गया। क्लियर? तो अपलोड हो गया, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, और हमने इसको याद किया आपका प्लॉट से। और इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है वह है इम्यूटेबल। इम्यू इम्यू ये है इम्यू इम्यूटेबल। इम्यूटेबल इसका मतलब होता है स्थिर, गतिहीन, यानी कोई चीज वहीं पर रखी रहना, उसमें कोई गति ना होना, कहीं इधर उधर सरक मत नहीं जाना। तो इम्यूटेबल को हम याद करेंगे किससे? अम्मा, अम्मा की टेबल, अम्मा की टेबल। अब जो अम्मा की जो टेबल है भैया, अम्मा बड़ी खड़ूस है, वो तो ये कहती है कि जो हमारी टेबल है तो वहीं वहीं रहनी चाहिए, किसी ने उसको हिलाने की हिम्मत की तो देखना सही नहीं होगा, वरना जायदाद में से नाम काट दिया जाएगा, वसीयत में से नाम नहीं लिखा जाएगा। क्लियर यहाँ पे? तो अम्मा, अम्मा की टेबल, अम्मा की टेबल हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा स्थिर रहती है। क्लियर हुआ? रहती है। ओके एक बार जल्दी से दोबारा से पांचों वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं। प्लमट, प्लमट का मतलब होता है तेजी से नीचे गिरना, और हमने इसको याद किया प्लैनेट से, प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह, और इसको एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, प्लैनेट आसमान से पृथ्वी पर तेजी से नीचे गिर पड़ा। क्लियर? तो प्लमट का मतलब हो गया तेजी से नीचे गिरना। जो नेक्स्ट वर्ड हमने किया सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधानी, और हमने इसको याद किया सर का रिस्पेक्ट। तो भैया क्या करना चाहिए? सर का रिस्पेक्ट हमेशा सावधानी से करना चाहिए। क्लियर हुआ? कैसे करना चाहिए? सावधानी से। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है निक्रोमेंसी। निक्रोमेंसी का मतलब होता है जादू टोना, और नर्क में भैया कैसे सिखाया जाता है जादू? बड़े ही मन से सिखाया जाता है, नर्क में मन से जादू सिखाया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है अपलोड, अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और हमने इसको किया आपका प्लॉट के नाम से, या की जो हमने इसकी बनाई आपका प्लॉट। आपका प्लॉट कहाँ पर है भाई? रोड पर है, इसलिए आपकी सारी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। जो इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड हमने कैसे किया? इम्यूटेबल, स्थिर गतिहीन, इसको हमने किया अम्मा की टेबल। और अम्मा की टेबल क्या रहती है भाई? अम्मा की टेबल रहती है स्थिर, यानी गतिहीन, किसी को उसके हिलाने की हिम्मत नहीं है। आई होप सो आप लोगों को ये पांचों वर्ड याद हो गए होंगे विद ट्रिक के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करो भाई जो कह रहे हैं, वरना वही बात आ जाती है सरकमस्पेक्ट, सावधानी से रिस्पेक्ट करो। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।